जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। गणेश पूजन करने से राहु केतु की शांति होती है, इसलिए जिस मनुष्य को राहु खराब हो या केतु खराब हो, उस मनुष्य को गणेश जी की पूजन अर्चन करना चाहिए। अब गणेश जी की पूजा से राहु और केतु कैसे अच्छे होते हैं, उस गहराई में हम आपको लेकर के चलते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, बाद में अन्य आराध्य देवताओं की पूजा होती है। तो सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी है, तो ओम गम गणपते नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोम गम गणपते वर वर सर्जनम में वशमानय। ओम एक दंताय हस्ति मुखाय लंबोदराय उच्चिष्ट महात्मने आम क्रोम ह्रीम गम घे 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 घे। ये गणेश जी के मंत्र हैं। ओम गम गणपते नमः। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। तो सर्वप्रथम गणेश पूजा के बाद में अन्य देवी देवताओं की आराधना का कारण यह है कि विघ्न बाधा हेतु गणेश जी की पूजा की जाती है, कि विघ्न उत्पन्न न हो, क्योंकि गणेश जी को ऐसा वरदान है। और विघ्न कौन उत्पन्न करते हैं? राहु केतु उत्पन्न करते हैं। तो गणेश जी की आराधना करने से दोनों का निवारण हो जाता है। इसीलिए रोजाना मनुष्य को गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। जब भी पूजन अर्चन चालू करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सूर्य उदय के पहले उठ करके पूजन करना चाहिए। तो हाथी को राहु और धड़ को केतु माना गया है। अगर गौर से देखो तो राहु केतु का मिश्रण ही गणेश जी है, क्योंकि गणेश जी का भी सिर कट गया था, तो वहां पे हाथी का सिर लगाया गया। तो हाथी के सिर को राहु कहते हैं और धड़ को केतु कहते हैं, क्योंकि सिर हाथी का लगा है। इसलिए राहु और केतु दोनों शांत रखने के लिए गणेश जी को रोज जल से स्नान करना चाहिए या करवाना चाहिए, और गणेश जी को हल्दी और केसर का तिलक लगाना चाहिए। यहां पर जो जल चढ़ता है गणेश जी को स्नान करने पर, वो चंद्रमा का प्रतीक है, और केसर और हल्दी जो लगेगी वो बृहस्पति को दर्शाता है। तो चंद्र और बृहस्पति दोनों जब मिल जाते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है। अब आपको समझ में आएगा कि चंद्र और गुरु के मिलने पर गज केसरी नाम क्यों डला। वो इसीलिए डला है, केसरी यानी केसर, गज यानी हाथी। तो चंद्र और गुरु की युक्ति से गज केसरी योग बनने से राहु और केतु दोनों शांत रहते हैं। इसीलिए गणेश जी को ऊपर जल चढ़ाने से और उनको हल्दी या केसर का तिलक लगाने से गज केसरी योग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करने से राहु और केतु दोनों शांत होते हैं। इसलिए मनुष्य को कम से कम रोजाना 5 माला गणेश जी की करना चाहिए। ओम गणेश ऋण छिंदि छिंदि वैरिण्यम होम फट। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, या ओम गम गणपते नमः। 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 तो इस प्रकार से कम 5 माला यानी कि 10 मिनट तक मनुष्य को ओम गम गणपते नमः बोलने से राहु और केतु आपको कष्ट प्रदान नहीं करेगा।
इसीलिए गणेश जी की पूजन करने से राहु शांत होता है और केतु भी शांत होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।